श्रीदेवी की मौत के मामले में अब एक नया मोड़ आया है। दुबई में सोमवार को जारी हुई फोरेंसिक रिपोर्ट में बताया गया कि श्रीदेवी जब बाथा टब में थीं, तभी बेहोश हो गईं। टब में डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई। उन्हें कार्डियक अरेस्ट नहीं आया। इसके अलावा श्रीदेवी की ब्लड रिपोर्ट में अल्कोहल का अंश भी मिला है। बता दें कि शनिवार देर रात श्रीदेवी की मौत की खबर आई थी। 300 फिल्मों में काम कर चुकी श्रीदेवी को तमिल फिल्म उंदरू मुडिचू में को एक्टर रजनीकांत से दोगुने पैसे मिले थे। श्रीदेवी को 5 तो रजनीकांत को मिले थे सिर्फ 2,000 रुपए। दाश कुछ साल पहले श्रीदेवी तमिल रीमेक कौन बनेगा करोड़पति में शामिल हुई थी। इस दौरान शो के होस्ट और एक्टर प्रकाश राज ने श्रीदेवी की लाइफ से जुड़े कुछ सवाल पूछे थे। शो के दौरान श्रीदेवी ने अपनी फीस के बारे में बताया था कि 1976 में फिल्म उंदरू मुडिचू के लिए उन्हें 5,000 रुपए मिले थे, जबकि इसी फिल्म में काम करने के लिए रजनीकांत को उनसे आधे से भी कम यानी 2,000 रुपए दिए गए थे। बता दें कि इस फिल्म में 13 साल की श्रीदेवी ने 26 साल के रजनीकांत की सौतेली माँ का रोल किया था। दैशवाला की इसी फिल्म के लिए कमल हासन को 30,000 रुपए मिले थे। श्रीदेवी ने ये भी बताया कि रजनीकांत को उनकी माँ बेटे की तरह ही मानती थी। दैश एक बार हम सभी बात कर रहे थे तो रजनीकांत ने मेरी माँ से पूछा, मैं कैसे कमल हासन की तरह बड़ा स्टार बन सकता हूँ? मेरी माँ ने कहा, वो एक दिन जरूर उनकी तरह सुपर स्टार बनेंगे। रजनीकांत भी कमल हासन की तरह 30,000 रुपए फीस चाहते थे। 1993 में आई फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा के एक सीन में श्रीदेवी को देखकर अमिताभ बच्चन दंग रह गए थे। दरअसल फिल्म में एक गाने दुश्मन दिल का जो है मेरे के दौरान श्रीदेवी हाई हील पहनकर सीढ़ियों पर चलती हैं और इस दौरान उनकी नजरें सिर्फ कैमरे पर होती हैं। इस सीन को देखकर अमिताभ इसलिए भी हैरान रह गए क्योंकि श्रीदेवी नीचे देखे बिना तेजी से सीढ़ियां उतरती हैं। अमिताभ ने श्रीदेवी को यह सीन करते देख कहा था, मैं तो मेरे घर की भी सीढ़ियां ऐसे न उतरूं। अमिताभ के मुताबिक, मैं जब भी अपने घर की सीढ़ियां उतरता हूं तो नीचे देखता हूं, लेकिन श्रीदेवी तो बिना डरे और नीचे देखे तेजी से सीढ़ियां उतरती हैं। शुरुआत में श्रीदेवी की हिंदी कमजोर थी और वो हिंदी में ठीक से बात नहीं कर पाती थी। 1987 में फिल्म मिस्टर इंडिया आने तक यही सिलसिला चलता रहा। इसके बाद श्रीदेवी ने फ्लुएंट हिंदी सीखने की ठानी। इसके लिए उन्होंने एक ट्यूटर सुषमा आहूजा को रख लिया। सुषमा थिएटर आर्टिस्ट थी और उन्होंने श्रीदेवी को हिंदी सिखाई। इसके बाद फिल्म मिस्टर इंडिया में श्रीदेवी ने अपने डायलॉग खुद डब किए। इससे पहले श्रीदेवी की हर एक फिल्म को किसी दूसरे वॉइस आर्टिस्ट से डब कराया जाता था। श्रीदेवी ने फिल्म चालबाज के गाने न जाने कहां से आई है की शूटिंग 103 डिग्री बुखार में की थी। उनकी मेहनत रंग लाई और इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। श्रीदेवी ने अपनी फिल्मों सदमा, गर्जना और चांदनी में गाने भी गाए थे। सतीश कौशिक के मुताबिक, टायर्ड कॉन्शियस श्रीदेवी ने 80 और 90 के दशक में शायद ही कभी सेट पर खाना खाया हो। वो केवल ग्रिल्ड फिश खाना पसंद करती थीं। मुझे याद है एक बार मैं उनके नेटिव प्लेस चेन्नई के नजदीक शूटिंग करने गया था। श्रीदेवी ने कुछ लोगों को अपने घर दावत पर इनवाइट किया। मैं नहीं जानता था कि उस दिन पोंगल है। इसके बाद श्रीदेवी ने ऐसे पकवान बनाए कि हम उंगलियां चाटते रह गए। सतीश कौशिक के मुताबिक, 1987 में बोनी कपूर ने श्रीदेवी के साथ फिल्म मिस्टर इंडिया और 1993 में रूप की रानी चोरों का राजा बनाई। बाद में 1996 में बोनी ने श्रीदेवी से शादी कर ली। अब दोनों के बीच क्या था ये तो वही जानते हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि बोनी को मैडम पसंद थी, लेकिन तब ये कोई नहीं जानता था कि एक दिन बोनी और श्रीदेवी शादी कर लेंगे। कहते हैं कि बोनी कपूर ने जब श्रीदेवी को उनकी मां के सामने फिल्म ऑफर की तो श्रीदेवी की मां ने फीस के तौर पर 10 लाख रुपए मांगे। बोनी कपूर ने 10 के बजाय 11 लाख रुपए श्रीदेवी को दिए थे। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट श्रीदेवी ने फिल्म क्रंदन करुणाई 1967 में भगवान शिव का कैरेक्टर प्ले किया था। इसके अलावा भी उन्होंने कई तेलुगु और तमिल फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया है। श्रीदेवी ने रजनीकांत के साथ कई हिंदी फिल्मों में काम किया। इनमें जुल्म की जंजीर 1984, आज का दादा 1985, महागुरु 1985, भगवान दादा 1986, जॉनी उस्ताद 1987, गैरकानूनी 1989, चालबाज 1989, फरिश्ते 1991 और चोर के घर चोरनी 1992 में काम किया है। श्रीदेवी के पिता लायर थे। श्री ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में काम किया है। 2013 में श्रीदेवी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया।